गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर 8 डेसिमल। इसमें जो क्वेश्चंस हैं इनको हमने स्टेटमेंट में लिखना है। रीड द डेसिमल एंड राइट द नंबर नेम्स। तो जैसे हम पढ़ते हैं लिखेंगे भी वैसे ही। तो देखो, जैसे ये लिखा 0.05, तो इसको इंग्लिश में स्टेटमेंट में ऐसे लिखेंगे। लेकिन जैसे ये वाला है, इसको देखो ये क्या है, जीरो से पॉइंट से पहले के नंबर को पूरा एक साथ पढ़ते हैं। जैसे इसको हम 1 3 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम 13 पूरा। ये पूरा 13 है और पॉइंट के बाद सारे डिजिट अलग अलग पड़ेंगे। देखो जैसे ये है 9.999, इसको 999 नहीं बोलेंगे, इसको अलग अलग बोलेंगे 999। तो 9.999 ऐसे, तो पढ़ेंगे भी ऐसे, लिखेंगे भी ऐसे। तो चलो अब पहला इसको ए वाले को लिखता हूं मैं। तो ये ऐसा लिखा जाएगा, पहले जीरो है तो पहले हम लिखेंगे इसको जीरो। फिर जो है पॉइंट है तो ये हमने लिख दिया पॉइंट, जीरो पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जीरो है, जीरो पॉइंट जीरो, तो जीरो पॉइंट जीरो और फाइव। तो देखो ये 0.05 ये हमने वैसे लिखा जैसे है। फिर बी वाला, बी वाले को कैसे लिखेंगे, देखो 0.63 किया जाएगा, 0.63 देखो ये आ जाएगा 0.63। जैसा है वैसे ही हमने लिखा है। सी वाले को कैसे लिखेंगे, देखो 2.97 नहीं बोलेंगे इसको, 2.97 क्या बोलेंगे, टू, फिर उसके बाद पॉइंट है 2.9 और फिर क्या है 7, 2.97। उसके बाद डी वाला है, इसके बाद डी, अब देखो 13 क्या है, ये 13, उसके बाद पॉइंट है 13 पॉइंट, उसके बाद क्या है 39, तो 3 और आया फिर कितना 9। तो इस तरह से ठीक है 13.39। ये ई वाला क्या होगा, ई वाला देख लीजिए, ये जाएगा 14.21, ये जाएगा 14.21। तो इस तरह से ये हुआ। ये एफ वाला, एफ पार्ट, ये कितना होगा 0 पॉइंट, देखो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, जीरो के बाद पॉइंट है, उसके बाद जो है 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 6 है। तो ये इस तरह से 0.236 236। और यहां पर मैं और लिखना चाहता हूं, ये देखो ये जो बचे हुए आपके, तो ये देखो ये आ गया आपके जी वाला पोर्शन में। ये जी वाला क्या लिखा हुआ है, 16 पॉइंट, यहां पर आ जाएगा ये 16 पॉइंट, कितना है 16.6, ये देखो 16.6। फिर है जीरो, 16.6, फिर जीरो, फिर सिक्स, फिर कितना है ये 6, तो ये आ गया। यहां पर देखो एच में कितना आया बच्चों, ये जाएगा 9 9 पॉइंट, देखो 9 पॉइंट, फिर कितना है 9 9.9, फिर 9 और फिर 9। तो इस तरह से ये जैसे बिल्कुल हम पढ़ रहे हैं, लिखना भी इनको बिल्कुल एज इट इज ही है। देखो जैसे 9, फिर उसके बाद पॉइंट आया, पॉइंट लिखा, फिर उसके बाद 9 आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट 9 आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट 9 आया। तो इन दिस वे हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट, ये आपने देख लिया। ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होता है।